hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is NEET with Tanvi, and I'm a first prof MBBS student. So as you all know, and I have also told it myself multiple times, ki maine apne NEET ke score ko 227 se 681 pe increase kara tha. So in today's video I am going to tell you all how I did it. Theek hai, kyunki jitni bhi cheeze main tumhe bata rahi hu is video ke andar, wo main tumhe apne khud ki personal mistake se bata rahi hu, jinhe ki agar tum apni NEET ki preparation mein apply karo then tum apni प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो. तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है. मैं एकदम शॉर्ट में जल्दी जल्दी वीडियो को समअप करने वाली हूँ, क्योंकि आई नो कि अभी तुम लोग जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होगे, तुम लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा वो चल रहा होगा ना, इतना स्ट्रेस्ड आउट, कि ठीक है मैं भी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ. तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर तो तुम नीट जब आने वाला होगा ना, उससे एक महीने पहले या दो महीने पहले आके मुझसे पूछोगे कि यार दीदी हम नीट में कैसे अच्छा स्कोर करें, हमारा भी इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है. अगर वो जो तुम्हारा स्कोर आ रहा है वो बहुत ही कम है, तो एक महीने में या दो महीने में तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्टार्टिंग से उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है. देखो नीट में सिलेक्शन होने का एक मेजर जो मैं तुम्हें टैक्टिक बताती हूँ ना, वो है अच्छे नोट्स होना. एंड नोट्स इज नॉट समथिंग जो तुम एंड के एक महीने में या दो महीने में जाके बना सकते हो, वो तुम्हें ऑब्वियसली स्टार्टिंग से बनाने पड़ेंगे. एंड आई एम टेलिंग यू, देखो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का, वो मैंने किसी भी सीरियसनेस से नहीं दिया था, एंड उसके लिए मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए. एंड उन्हीं नोट्स को मैंने ना फिर क्या किया था, उन्हीं में ही चीज़ें ऐड ऑन की थी जब मैंने एक साल का ड्रॉप लिया एंड अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया था. एंड उन नोट्स को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया था ना, लाइक वही नोट्स थे जिनको मैंने नीट से पहले दो तीन बार रिवाइज़ किया था, एंड उन्हीं के अंदर आई हैड एवरीथिंग. तो तुम्हें अपने एक ऐसे सेट ऑफ नोट्स प्रिपेयर करने ही करने पड़ेंगे, जो ऑब्वियसली तुम एंड के एक या दो महीने में जाके प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें अभी से वर्क करना पड़ेगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. उसके बाद अगर तुम दूसरी चीज़ की बात करो, तो देखो यार, तुम्हें अगर कोचिंग नहीं जाना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे भी कोचिंग जाने का ऐसा मन नहीं करता था, बट तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स उठा सकते हो, क्योंकि एक कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि यार उनके अंदर थ्योरी भी सारी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन भी इतने सारे होते हैं, प्लस उसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी होते हैं, ठीक है. तो तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि ना तुम्हें दर बदर भटकना पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ से इस बुक से मुझे 10 फार्मूला मिल गए, इस बुक से मुझे 10 फार्मूला मिल गए, पर मेरे फिजिक्स के फार्मूला पूरे अभी भी नहीं हुए, ठीक है. अगर तुमने किसी भी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स उठा लिए ना, तो तुम्हारे पास ये होगा कि तुम्हारे पास जितना भी भंडार है ना इन्फॉर्मेशन का, वो तुम्हारे पास आ जाएगा. फिर वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उनके मॉड्यूल से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स कैसे बनाने वाले हो, ठीक है. तो तुम क्या कर सकते हो, पहली चीज़ कि तुम्हें नोट्स बनाने हैं, दूसरी चीज़ नोट्स बनाने के लिए तुम किसी भी अच्छी सी कोचिंग के मॉड्यूल्स को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि जो उनके मॉड्यूल्स होते हैं ना, दे हैव एवरीथिंग इन देम. तीसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, स्टार्टिंग से ही अपना एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, बट उस शेड्यूल को ज़्यादा टाइट मत रखना, जैसे कि उसको थोड़ा ना शिफ्ट करते रहना, अदरवाइज तुम्हारी बॉडी को उसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, ठीक है. एंड तुम्हारा ब्रेन जो है वो आइडियली सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होना चाहिए, जब तुम अपना नीट का पेपर दे रहे हो. जैसे अपने ड्रॉप ईयर के अंदर आई यूज़ टू स्टडी एट नाइट, एंड जब नीट आने वाला था, तो उससे दो तीन महीना पहले मेरी मम्मी ने मेरे को एक रियलाइजेशन दी कि अगर तेरी रात में पढ़ने की आदत है, तेरा ब्रेन तभी ही एक्टिव है, तो फिर जब नीट का पेपर देने जाएगी तब दोपहर में नींद आएगी. तो फिर मैंने क्या किया कि मेरी जो रात में पढ़ने वाली हैबिट थी, मैंने उसको थोड़ा चेंज किया एंड फिर मैंने ऐसे दिन में शिफ्ट कर लिया, जिससे कि मेरे को मतलब जब मेरा नीट का पेपर था ना, उस टाइम पर आई वॉज सो एक्टिव, ठीक है. तो तुम्हें तीसरी चीज़ ये करनी है. उसके बाद अगर हम बात करें, तो यार देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तुम्हें अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं करनी, तो तुम मत करो, तुमने डायरेक्टली जो मॉड्यूल्स लिए हैं तुम उनसे करो, ठीक है. बट बायो के लिए आई विल से कि यार बायो की एनसीईआरटी पहले पढ़ो, बायो की एनसीईआरटी इज़ रियली वेरी वेरी गुड, ठीक है. बायो की एनसीईआरटी तुमने पढ़ी, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर बायोलॉजी के तुम डायरेक्टली मॉड्यूल्स पढ़ने लग जाओगे ना, तुम्हें कुछ ना समझ आने वाला, ना तुम्हें कुछ याद होने वाला. बट अगर तुमने पहले एनसीईआरटी पढ़ ली ना, तुम्हें समझ भी आएगा, तुम्हें ना 60-70% याद भी हो जाएगा, बाकी का 30-40% तुम अपने मॉड्यूल से करना, ठीक है. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम्हें डायरेक्ट मॉड्यूल से करनी है, करो. बट जो तुम्हारी बायो है, उसको पहले तुम एनसीईआरटी से करो एंड उसके बाद तुम मॉड्यूल से करो. बायो के नोट्स मत बनाना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है. जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है उसे बार बार लिखने का, जो तुम्हें बायो में इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना, ठीक है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स में तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज के नोट्स बनेंगे एंड केमिस्ट्री के अंदर जितने फॉर्मूलाज हैं उनके बनेंगे, जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनके नोट्स बनेंगे. एंड देखो यार, अगर तुम्हें अभी के टाइम में ना अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करने में मौत आ रही है, तो छोड़ दो फिर नीट, कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि जब तुम MBBS में आओगे ना,
तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होने वाला है बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, तुम्हारा हीम का मेटाबॉलिज्म है, लाइक इतने सारे रिएक्शंस हैं ना, इतने सारी साइकिल्स हैं, नहीं याद हो पाएंगे जब अभी तुमसे बेसिक सा नहीं हो रहा, ठीक है। तो सोचो यार, देखो तुम पता क्या होता है ना, जब हम नीट दे रहे होते हैं ना, हम सोचते हैं अभी तो हम बहुत छोटे हैं, बट जब MBBS में हम जाएंगे हम बहुत बड़े हो जाएंगे। कुछ नहीं, एक साल का ही डिफरेंस आने वाला है। इतना क्या तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है ब्रेन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी एक साल में, कि अभी तुमसे बेसिक से रिएक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, MBBS में जाके एकदम से तुम साइकिल्स याद करने लग जाओगे। तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग से फॉर्मूला शीट बनाना, ठीक है, जिसके अंदर यू विल बी राइटिंग ऑल योर रिएक्शंस, ऑल योर नेम्ड थिंग्स, ठीक है, चाहे आपका नेम्ड रिएक्शन हो, नेम्ड कैटलिस्ट हो, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, सारे रिएजेंट, सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद ये तुम्हारा हो गया बायोफिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंडिविजुअली। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो पर चैप्टर मतलब तुम 100 टू 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारे PYQs इंक्लूडेड हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। एंड टू ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट, भाई 2025 का पेपर जो है ना, उसको 2 से 3 बार सॉल्व करके जाना ही जाना। वन मोर थिंग विच आई लाइक टू ऐड, कि जब तुम पेपर देने बैठोगे तो कभी भी टाइमर 3 घंटा 20 मिनट का मत लगाना, हमेशा टाइमर 3 घंटा या 3 घंटा 10 मिनट का लगाना, क्योंकि जब एक्चुअल में तुम नीट का पेपर दोगे ना, देन यू विल बी अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस, एंड बीच में भाई वो लोग आते रहते हैं इन्विजिलेटर्स, कभी किसी चीज़ पर साइन करो, कभी किसी पर करो, ठीक है, बीच में पानी वानी भी पियोगे, कि 10 मिनट तुम्हारे इन्हीं चीज़ों में जाने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट ऐसे मत करना पेपर सॉल्व, कि 3 घंटा 20 मिनट में ही तुम्हारा सॉल्व हो रहा है, टाइमर हमेशा 10 मिनट पहले का लगाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका तुम्हें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। एंड काफ़ी ज़्यादा फिर मेरे से मतलब एंड के, मेरे से या किसी भी बंदे के एंड बंदे से एंड में जाके एक दो महीना पहले मत कहना कि मैं क्या करूँ। भाई तुम्हें नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ही तुम आगे जाके रिवाइज करने वाले हो। जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, नोट्स में ही तुम ढूंढने वाले हो। तुम्हें लगता है इतनी पाइल्स ऑफ बुक तुम रिवाइज कर लोगे 2-3 बार? नहीं करोगे। क्या रिवाइज करोगे? अपने नोट्स जो तुम्हारे इतने से बनेंगे। तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई तुम्हें बने बनाए नोट्स नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। मैं तुम्हें खुद बता रही हूँ, मेरे बने बनाए नोट्स हैं, ठीक है, मैं खुद भी नहीं दे रही, ठीक है। मतलब और भी लोग थे, ठीक है, फैमिली में, उन्होंने मांगे मेरे पेरेंट्स से कि उसके नोट्स दे दो। यार नहीं यार, वो मैंने मेहनत से बनाए, वो मेरी है, मेरी मेहनत है यार वो। मैं ऐसे मेरी मेहनत इंडिविजुअली किसी को भी नहीं देने वाली, ठीक है। अगर मुझे होगा आई शेयर देम ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट इंडिविजुअली आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम टू एनीबॉडी, ठीक है। वो मेरे साथ रहेंगे भाई, और लाइक लिटरली भाई वो मेमोरी है यार, ठीक है। प्लस जब तुम नीट का पेपर देके आओगे ना, तो जो तुम्हारा वो पेन मिलेगा ना तुमको वहाँ पे NTA वाला, उसको संभाल के रखना, ठीक है। वो मेरे को मेरे पापा ने बोला था कि इसको संभाल के रखो, ठीक है, मतलब पूरे लाइफ टाइम अब याद में रहेगा, ठीक है, कि इस पेन से लिखा था जब मेरा सिलेक्शन हुआ नीट में। तो ये सारी चीज़ें यार तुम्हें स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से अपना टाइम टेबल बनाओ, स्टार्टिंग से डेली रेगुलर रहो, ताकि तुम्हारे एक दिन भी बैकलॉग ना बने। कोचिंग नहीं जाना मत जाओ, ठीक है। देखो जो चीज़ बुक में लिखी है, जो चीज़ मॉड्यूल में लिखी है, वही तुम्हें वहाँ पे टीचर पढ़ाने वाला है, वो चीज़ तुम खुद भी पढ़ सकते हो। क्या तुम्हें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता, ठीक है। तो मुझे कोचिंग जाना पसंद नहीं था इंडिविजुअली, ठीक है, पर्सनली। तुम्हें नहीं जाना तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट है, ठीक है, इट्स नॉर्मल। बट हाँ, प्रेफर सम मॉड्यूल। एंड उसके अलावा फिर तुम्हें बस एक PYQ की बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड तुम्हारा मतलब सॉर्टेड हो जाएगा। फिर तुम्हें इतनी सारी बुक्स नहीं करनी पड़ेंगी। एंड भाई एंड में आके टेस्ट सीरीज तुम्हें करनी ही करनी है, ठीक है। तुम टेस्ट दोगे तभी तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना। एंड टाइम मैंने बता दिया कितने टाइम का तुम्हें सेट करना है। एंड सो देखो यार, और मतलब ये है कि जैसे मैंने अपने टाइम में टेस्ट दिए थे ना, तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी। जैसे जो टेस्ट बुकलेट्स आती है मैंने वो ले ली थी, एंड घर में आई यूज़ टू सेट द टाइमर एंड सॉल्व देम। क्योंकि मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोज़ के अंदर कि मैंने ड्रॉप ईयर के अंदर कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। तो आई डिड एवरीथिंग कम्प्लीटली ऑन माई ओन। बाकी तो यही है। एंड अगर स्टिल तुम लोगों के कोई डाउट्स है तो उन्हें कमेंट कर दो, एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड भाई मेरे तुमसे पर्सनल ग्रजेस हैं कि तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। फटाफट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यार, थोड़े बहुत अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। एंड भाई अपने दोस्तों के साथ वीडियो तो शेयर कर ही देना, ठीक है, एंड उनको नीचे से लिख के बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो बाय बाय।